हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज हम स्टैंटन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टैंटन नंबर इट इज़ अनदर डायमेंशनलेस नंबर। इससे पहले हम नसेंट नंबर, प्रेडेंट नंबर और रेनॉल्ड नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा अदर डायमेंशनलेस नंबर है दैट इज स्टैंटन नंबर। तो जो हमारा स्टैंटन नंबर है इसे हम एसटी से शो करेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टैंटन नंबर क्या होता है हमारा? इट इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट टू द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर राइज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो स्टैंटन नंबर हमारा क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इट इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट टू द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर राइज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो इसे किस तरह से हम लिखेंगे देखिए। इट द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मीन यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, ड्यू टू द कोफिशिएंट टू द फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हीट फ्लो हमें देखना है पर यूनिट टेम्परेचर राइज पर। तो जो हीट फ्लो है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा? एम सी पी डेल्टा टी। तो ये हमारा क्या हो गया? एम सी पी डेल्टा टी। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर राइज, यानी कि जो टेम्परेचर राइज है वो हमारा क्या है? वन है, यानी कि यूनिट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा टी यूनिट हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? एच अपॉन एम सी पी। तो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एच अपॉन, यहाँ देखते हैं, डेंसिटी इक्वल टू हमारा क्या होता है? एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो मास है उसे हम स्मॉल एम से शो कर रहे हैं, तो एम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? रो इंटू वी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? रो इंटू वी इंटू सी पी। तो जो वैल्यू हमारी आएगी स्टैंटन नंबर की, दैट इज एच अपॉन रो वी सी पी।
आगे बात करते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड नंबर है, इसे हम अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अदर डायमेंशनलेस नंबर के हेल्प से भी हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड नंबर होता है ये होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ नसल्ट नंबर टू द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर इनटू प्रांडल्ट नंबर। एस टी इक्वल टू, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड नंबर है ये इक्वल्स हो जाएगा रेशियो ऑफ द नसल नंबर टू द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांडल्ट नंबर। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारा नसल नंबर आता है वो हमारा क्या आता है एच एल अपॉन के, और जो हमारा रेनॉल्ड नंबर होता है रो वी एल अपॉन न्यू, और ये हमारा क्या होगा म्यू सी पी अपॉन के। जो प्रांडल नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा म्यू सी पी अपॉन के। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स हमारा ये वैल्यू, तो सिंप्लीफाई करने पर ये हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी फिर से एच अपॉन रो वी सी पी के इक्वल आ जाएगी। तो इसे देखिए हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एच एल अपॉन के म्यू से हमारा मी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे क्या रह जाएगा रो वी एल इंटू सी पी अपॉन के। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एच एल अपॉन के इंटू के अपॉन रो वी एल इंटू सी पी। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी H, ये L से हमारा L कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी एच अपॉन रो वी सी पी। तो भी हमारा यहाँ से स्टैंडर्ड नंबर क्या हो जाएगा H अपॉन रो वी सी पी, ये हमारे किसके इक्वल है जो अभी हमने बताया था H अपॉन रो वी सी पी के बराबर आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो इट इज ऑल्सो द इट इज़ द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट टू द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर एज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ नसल्ट नंबर टू द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांडल्ट नंबर। अब हम नेक्स्ट जिस नंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं ये हमारा नंबर है पैकलेट नंबर। तो अब जिस नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं ये हमारा पैकलेट नंबर, जिसे हम किससे शो करेंगे पी ई से, या फिर हम किससे शो कर सकते हैं एन पी ई से भी से शो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो पैकलेट नंबर होता है हमारा इट इज द रेशियो ऑफ मास हीट फ्लो रेट बाय कन्वेक्शन टू द फ्लो रेट बाय कंडक्शन अंडर अ यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड थ्रू a thickness n। तो जो पहला नंबर है हमारा इट इज द रेशियो ऑफ मास हीट फ्लो रेट बाय कन्वेक्शन टू द
फ्लो रेट बाय कंडक्शन अंडर ए यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड थ्रू अ थिकनेस एल। तो यानी ये हमारा रेशियो है कन्वेक्शन थ्रू जो हमारा मास हीट फ्लो रेट है, यानी कि जो हमारा फ्लूइड में जितना भी मास हमारा किसी पाइप में, अगर कोई हमारा सर्कुलर पाइप है तो उस पाइप में जितना भी हमारा मास फ्लो रेट या मास और हीट फ्लो रेट है, मीन जितने अमाउंट ऑफ मतलब जो भी हमारा अमाउंट लिया गया है मास का, तो उस अमाउंट के थ्रू जितनी भी हमारी हीट का फ्लो रेट हो रहा है पाइप में, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर ली गई है। तो मास हीट फ्लो रेट बाय कंडक्शन और जो नॉर्मल हवा का फ्लो रेट बाय कंडक्शन है उसका ये हमारा रेशियो होता है। तो ये हमारा किस तरह से होगा, देखिए पी ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मास हीट फ्लो रेट बाय कन्वेक्शन अपॉन हमारा क्या हो गया हीट फ्लो रेट बाय कंडक्शन। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पैकलेट नंबर इज इक्वल टू जो मास हीट फ्लो रेट है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा मास हीट फ्लो रेट यानी कि एम सी पी डेल्टा टी, और जो फ्लो रेट बाय कंडक्शन था हमारा, तो कंडक्शन के थ्रू जो हमारा फ्लो रेट है दैट इज के ए डेल्टा टी अपॉन एल, और ये हमारा किस सिचुएशन में दिया गया है, अंडर ए यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट थ्रू अ थिकनेस एल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हमारा क्या है मास हीट फ्लो रेट है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा m है ये इसे हम m डॉट से प्रदर्शित करेंगे, और जो हमारा m डॉट है ये क्या है मास फ्लो रेट, जो हमारे किसके इक्वल होता है रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी, m डॉट इज इक्वल टू रो ए वी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे रो इंटू ए इंटू वी सी पी डेल्टा टी अपॉन के ए डेल्टा टी अपॉन एल, और यहाँ पर जो वैल्यू ली गई है ये हमारी यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट पे ली गई हैं, तो यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट पे हमारे क्या रह जाएगा सिर्फ रो इंटू ए इंटू वी सी पी अपॉन के ए बाई एल। तो यहाँ से जो एरिया है हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा रो इंटू वी इंटू सी पी अपॉन के बाई एल। तो इसे और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा रो वी सी पी इंटू एल अपॉन के। तो जो हमारा पैकलेट नंबर है ये हमारा क्या आएगा रो वी सी पी इंटू एल अपॉन के, और जो हमारा ये पैकलेट नंबर है इसे हम अदर डायमेंशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डायमेंशन लेस जो नंबर हमारे होते हैं तो उनके फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इसके थ्रू जो हमारा पैकलेट नंबर है ये हमारे किसके इक्वल होता है, इट इज़ ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर इंटू प्रांडल्ट नंबर। तो पी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया रेनॉल्ड नंबर इंटू
जो रेनॉल्ड नंबर और जो हमारा प्रिंटेड नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारा पैकेट नंबर के इक्वल ही आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड नंबर रो म्यू इंटू प्रिंटेड नंबर क्या है, म्यू सी पी अपॉन के। तो यहाँ से हमारे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, रो वी एल रो वी एल सी पी अपॉन के। तो इस तरह से हमारा ये जो पैकेट नंबर है फाइंड आउट किया जाता है। तो अब बात करते हैं पैकेट नंबर के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो जो सिग्निफिकेंस होता है यहाँ पर जो पैकेट नंबर का, सो पैकेट नंबर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रिंटेड नंबर। सेकेंडली जो इसका सिग्निफिकेंस होता है, पैकेट नंबर इज ऑल्सो यूज इन स्टडी ऑफ फोर्स कन्वेक्शन। तो जो पैकेट नंबर है उसका हम यूज फोर्स कन्वेक्शन की स्टडी में करते हैं। इससे पहले जो हमने स्टैंटन नंबर पढ़ा था, तो स्टैंटन नंबर का सिग्निफिकेंस हमारा जो था इसका भी क्या था कि ये हमारा रेशियो होता है नसल नंबर टू द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर इंटू प्रिंटेड नंबर। और जो सिग्निफिकेंस हमारा है इसका नहीं, तो स्टैंटन नंबर तो स्टैंटन नंबर का जो सिग्निफिकेंस है और जो पैकेट नंबर का सिग्निफिकेंस है लगभग ये सेम है, बिकॉज दो स्टैंटन नंबर जो होता है हमारा, इट इज़ ऑल्सो यूज इन फोर्स कन्वेक्शन, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं जो स्टैंटन नंबर हमारा ये फोर्स कन्वेक्शन के डाटा को रिलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जो मैंने अभी आपको बताया था वो क्या है कि इट इज़ ऑल्सो रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ नसल नंबर टू द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रिंटेड नंबर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टैंटन नंबर और पैकेट नंबर के बारे में यहाँ पर समझा। तो देखिए मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ, स्टैंटन नंबर हमारा क्या है, एच अपॉन रो वी सी पी, तो स्टैंटन नंबर की वैल्यू हमारी ये आती है। और जो हमारा पैकेट नंबर है इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या आती है, रो वी सी पी इंटू एल अपॉन के। तो ये हमारे स्टैंटन नंबर और पैकेट नंबर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई। तो इस तरह से कुछ हमारे अदर
डायमेंशनलेस नंबर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी।